जब हम कंप्लीट डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम एक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हाउ द टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्ट हो जाते हैं तो उन कनेक्टेड डिवाइसेस के उस सेट को एक नेटवर्क कहते हैं, उस कंप्लीट सेट को। अगर हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो सबसे बड़ा इशू यही है कि हम इन दो डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करें, और हम चाहते भी हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट, मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। उसके कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो हम एक मैश टोपोलॉजी यूज करें। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है दूसरे डिवाइस से डेडिकेटेड लिंक से जुड़ा रहता है। तो ये एक ऑप्शन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ जाएंगे, सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, इवन दो हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड पाथ देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डेडिकेटेड पाथ हमेशा यूज हो। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना ही है हर टाइम। तो इसका मतलब ये है कि अगर लेंथ बढ़ती है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो मतलब मैश टोपोलॉजी इज नॉट अ सोल्यूशन। हम अगर कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम एक सेंट्रल डिवाइस से बहुत सारे, जिसे को हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। एक सेंट्रल डिवाइस जिसको सर्वर भी कह सकते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इस तरीके के टोपोलॉजी में भी ये है कि जब लेंथ बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ नोड्स बढ़ जाएंगे तो सेंट्रल डिवाइस का काम बढ़ जाएगा, और इस तरीके के लिंक्स को मेंटेन करना, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना इज नेवर अ कॉस्ट इफेक्टिव वे। और तब जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिंक्स क्या रहेंगी, आइडल रहेंगी, मतलब इनमें कोई भी कम्युनिकेशन होना नहीं है। अब हम बात करें अगर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, हम बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि उसके अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके अपने डेटा रेट्स हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर नहीं जा सकता। सो व्हाट वी मस्ट डू टू प्रोवाइड इंटरकनेक्शन बिटवीन द नोड्स, या हमारे जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं, उनके बीच में हमें एक पूरा का पूरा कनेक्शन देना है, तो हम क्या करें, इंडिविजुअल डेडिकेटेड लिंक हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। सो हमारे पास एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, हम कनेक्शन दें टेम्पररी बेसिस पे, और कैसे दें, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्विचिंग। तो यहाँ हम स्विचिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि स्विचिंग इज एन ऑप्शन इन विच अ स्विच्ड नेटवर्क, एक स्विच्ड नेटवर्क जो है जिसमें इंटरकनेक्टेड स्विचेस होंगे, इंटरकनेक्टेड नोड्स होंगे, और वो नोड्स का क्या काम होगा, दे विल फैसिलिटेट द लिंक बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटिंग या कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये जो है, जो स्विचेस हैं, जो नोड्स हैं, उनकी एक कैपेबिलिटी होगी कि वो टेम्पररी कनेक्शन हमेशा आपको दे सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक स्विच है, और ये स्विच का साइन बनाने का तरीका है, ये इस तरीके से स्विच रिप्रेजेंट होता है। हम ऐसे बहुत सारे स्विचेस जो हैं इमेजिन कर सकते हैं जो कि आपस में भी इंटरकनेक्टेड हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस से भी। ये स्विच का साइन है जो कि टेम्पररी कनेक्शन के लिए लगाए गए हैं। इसमें बहुत सारे कनेक्शंस हो सकते हैं, इस तरीके के कुछ कनेक्शंस। मैं एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पे, हर नोड या हर स्विचिंग जो नोड है इसको मैं स्विचिंग नोड या स्विच कह सकती हूँ, स्विच या स्विचिंग नोड दोनों टर्म्स यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये एक टर्मिनल है, ये भी एक टर्मिनल है जो कि इस तरीके से कनेक्टेड है। मान लेते हैं ये स्विच वन, ये स्विच टू, ये स्विच थ्री, ये स्विच फोर। बहुत ही सिंपल एक नेटवर्क बनाया गया है, ये स्विचिंग नेटवर्क कहलाएगा। व्हाट इट इज नोन एज, दिस इज अ स्विचिंग नेटवर्क। इस स्विचिंग नेटवर्क में क्या पॉसिबिलिटी, क्या ऑप्शंस है कि एक टेम्पररी कनेक्शन देगा दोनों या कोई भी और डिवाइसेस से। मैंने यहाँ पे दो डिवाइसेस से कनेक्ट करके दिखाई है, अभी ये एंड टू एंड सिस्टम को एक टेम्पररी कनेक्शन दे सकता है। ये टेम्पररी कनेक्शन किसको किसको दे सकता है, या तो ये जो डिवाइस है ये टेलीफोन भी हो सकता है या एक कंप्यूटर भी हो सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्विचिंग टेक्निक्स हैं वो सबसे पहले टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ की गई थी। एक सबसे बड़ा स्विचिंग नेटवर्क जो है टेलीफोन सिस्टम्स का अभी भी अवेलेबल है, जो कि वॉइस के साथ साथ डेटा के लिए भी यूज़ किया जाता है। उन स्विचिंग नेटवर्क्स को जनरली एक्सचेंज कहा जाता था,
एक्सचेंज मतलब स्विचिंग नेटवर्क्स जो है वो वहाँ एक्सचेंज, अगर आप टेलीफोन एक्सचेंज जैसी टर्म सुने हैं तो वो एक्सचेंज करता क्या है, बेसिकली वहाँ पर ये स्विचिंग होती है, साथ ही साथ वहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग भी होती थी, टीडीएम और एफडीएम। मल्टीप्लेक्सिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो चाहे वॉइस हो चाहे डेटा हो, दोनों में यूज किया जाता है। तो स्विचिंग नेटवर्क जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो ये स्विचिंग नोड्स और दूसरा जो है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर की हेल्प से पूरा एक पूरा नेटवर्क बनाया जाता है जो टेलीफोन सिस्टम्स में आज भी अवेलेबल है और यूज किया जा रहा है, जिसे हम लैंडलाइन कहा करते थे। ये लैंडलाइन कम्युनिकेशन अभी भी अवेलेबल है और ये स्विचिंग नेटवर्क एक्सचेंज कहलाते हैं। अगर हम इस स्विचिंग नेटवर्क या स्विच नेटवर्क को देखें, इसके बारे में बात करें, सो ये जो है क्लासीफाई किया जा सकता है, दिस स्विचिंग नेटवर्क और स्विच नेटवर्क कैन बी क्लासीफाइड इन डिफरेंट क्लासेस, और वो क्लासेस कौन कौन से हैं इनको कैटेगराइज कर सकते हैं एज पर देयर एप्लीकेशन और किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहला स्विच नेटवर्क कहलाता है सर्किट स्विच नेटवर्क, दूसरा कहलाता है पैकेट स्विच नेटवर्क, और तीसरा कहलाता है मैसेज स्विच नेटवर्क। और इनको अगर स्विचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो स्विचिंग तीन तरीके की होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम इसमें नेटवर्क लगा देंगे। और पैकेट स्विच नेटवर्क दो तरीके के पॉसिबल है, वर्चुअल सर्किट हो सकता है या ये डेटाग्राम हो सकता है। तो ये है बेसिकली टेम्पररी कनेक्शन देने का एक तरीका, स्विचिंग जो करती है वो यही करती है। कैसे काम करती है वो अभी हम इसमें इन सब में देखेंगे कि हाउ दिस स्विचिंग बेसिकली वर्क्स। बट व्हाट इज स्विचिंग, वी आर प्रोवाइडिंग अ टेम्पररी कनेक्शन इन बिटवीन द एंड सिस्टम्स, दिस इज स्विचिंग।